तो हेलो फ्रेंड्स, यदि आप लोग भी अपने खुद के वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालना चाहते हैं और यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, या फिर आप अपने किसी बिजनेस को यूट्यूब के जरिए रन करना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं और यूट्यूब चैनल को कैसे रन करते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको कम्प्लीट जानकारी दूंगा। यूट्यूब एप्लीकेशन के अलावा दो तीन एप्लीकेशन होते हैं जिनकी आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी जब आप यूट्यूब पर काम करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड में आपको वो एप्लीकेशन भी बताऊंगा कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है जो कि हर यूट्यूबर को जरूरी होती है। लेकिन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना चाहिए। फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स मैं फिलहाल यूज करता हूँ मोबाइल फ़ोन को और मोबाइल फ़ोन से ही आपको बताऊँगा कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। लेकिन यदि आप लोग लैपटॉप यूज़ करते हैं तो यही तरीका है दोस्तों जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसी तरीके से आप लोग लैपटॉप पर ही भी अपना चैनल बना सकते हैं। यूट्यूब पर अपना चैनल बनाने के लिए आपको एक जीमेल अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो जीमेल अकाउंट जिससे आपका प्ले स्टोर खुलता है, ठीक है ना। अब यदि आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है या फिर आप यूट्यूब चैनल के लिए एक नया जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो उसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर आना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये रहा मेरा क्रोम ब्राउज़र और यहाँ पर मैं जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद इसे डेस्कटॉप साइट पर खोलना है। ये ऊपर थ्री डॉट्स है और यहाँ पर आकर के इसे यहाँ खोलना है और यहाँ पर आपको यूट्यूब का लोगो मिलेगा तो आपको इस पर ओके करना है या फिर यहाँ पर सर्च कर लेना है आपको youtube.com। मैं सर्च कर लेता हूँ youtube.com तो सबसे ऊपर ही आ जाता है, इसे सर्च कर लेंगे, ठीक है। ये पेज ओपन होने के बाद यहाँ कोने पर ऊपर राइट साइड लोगो है, इस लोगो पर जाना है और यहाँ पर ऑप्शन है क्रिएट अ चैनल का, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस क्रिएट अ चैनल पर ओके कर देना है आपको और यहाँ पर इस तरह से पेज आने के बाद आपको यहाँ सिंपली करना क्या है, यहाँ आप अपने चैनल का कोई भी नाम रख सकते हैं इसे डिलीट करके, ठीक है ना। यहाँ जो जीमेल में आपका नाम है वही नाम लिखा रहेगा तो इसे चेंज करके आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ भी कर देता हूँ और रामकिशन ब्लॉग्स में कर दूँगा, ठीक है, तो ब्लॉग्स कर दूँगा। और यहाँ पर ये ऑप्शन आपको दिखता है क्रिएट का, तो इस क्रिएट के ऑप्शन पर आपको टच कर देना है तो आपका चैनल बन जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स मैं इसे अभी बना लेता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ आपका जो चैनल है वो बन चुका है। यहाँ पर इंटरफेस आप देख सकते हैं, चैनल का नाम रामकिशन ब्लॉग, ठीक है। अब आपको करना क्या है नेक्स्ट स्टेप, तो आपको जाना है कस्टमाइज चैनल पर और कस्टमाइज चैनल पर जाने के बाद आपको इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं, और नीचे आने के बाद आपको इस सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है तो इस सेटिंग पर जाना है और सेटिंग पर जाने के बाद आपको थोड़ा सा इसे फिर से जूम डाउन कर लेना है और यहाँ चैनल की सेटिंग पर आना है। आप देख सकते हैं ये चैनल का ऑप्शन है तो इस चैनल पर आना है और चैनल पर आने के बाद यहाँ पर अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपनी कंट्री इंडिया है अपनी, तो इंडिया कर लेता हूँ। और यहाँ पर दोस्तों आप कोई कीवर्ड डाल सकते हैं कि आपका चैनल के रिलेटेड, ठीक है ना। जैसे मेरा चैनल ब्लॉग का है तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर ब्लॉग्स वीडियोज, यहाँ पर डाल दूँगा ब्लॉग वीडियोज या वीडियो या ब्लॉग चैनल, ब्लॉग चैनल, ठीक है ना। और अपने चैनल का नाम भी डाल देना है लास्ट में। और इसी तरह से दोस्तों आप चार पांच कीवर्ड डाल सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। और यहाँ पर सिंपली दोस्तों इसे सेव कर देना है और सेव करने के बाद ये बैक हो जाएगा अभी, तो देखिए बैक हो चुका है, ठीक है। अब बैक होने के बाद आपको दोबारा सेटिंग पर आना है यहाँ नीचे से, और सेटिंग पर आने के बाद आपको इस चैनल के ऑप्शन पर दोबारा आना है और इस बार आपको एडवांस सेटिंग से होते हुए यहाँ पर फीचर एलिजिबिलिटी पर जाना है, ठीक है ना। एडवांस सेटिंग पर आपको कुछ नहीं करना, फिर नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ तीन ऑप्शन है आपके सामने, स्टैंडर्ड फीचर्स और इंटरमीडिएट फीचर्स और एडवांस्ड फीचर, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये एडवांस्ड फीचर आपको तो आगे मिलेंगे लेकिन फ़िलहाल हमें दूसरे ऑप्शन की बात करनी है, इमीडिएट फीचर्स, ठीक है, इंटरमीडिएट फीचर। तो यहाँ पर जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको जाने के बाद अपने फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना है, यहाँ पर ऑप्शन है फ़ोन नंबर को वेरीफाई। अब दोस्तों वेरीफाई क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप लोग अपने चैनल को वेरीफाई नहीं करते हैं
तो फ्रेंड्स आप लोग अपने वीडियोस पर थंबनेल नहीं लगा पाएंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये दोस्तों थंबनेल होता है, यानी कि जो वीडियो के ऊपर फोटो लगी रहती है, आपने कई लोगों के वीडियो पर देखा होगा। तो फ्रेंड्स वो फोटो केवल देखने के लिए होती है और वीडियो के अंदर दूसरा ही होता है। जो दूसरा बेनिफिट होता है चैनल वेरीफाई करने का, वो ये होता है कि यदि आप लोग 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं तो आप लोग अपलोड कर सकते हैं, यदि आपका चैनल वेरीफाई हो गया है। और दोस्तों यदि आपका चैनल वेरीफाई नहीं हुआ है तो आप लोग अपने चैनल पर 15 मिनट से अधिक लंबा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। और वैसे दोस्तों चैनल वेरीफाई करने के और भी बेनिफिट होते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन पर लिख दूंगा। मैं आपको बता देता हूँ कि फ़ोन नंबर कैसे वेरीफाई करना है, तो इस पर मैं ओके करता हूँ। और ओके करने के बाद कुछ इस तरह से आपको पेज देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पर जो ऑप्शन है टेक्स्ट मी द वेरीफिकेशन कोड, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको। और यहाँ पर आप अब यदि आप लोग मैसेज के थ्रू ओटीपी लेना चाहते हैं तो मैसेज के लिए यही वाला ऑप्शन है। और यदि आप लोग कॉल के थ्रू, यानी कि आपको फ़ोन आए और ओटीपी बताए, तो आपको इस पर ओके कर देना है। तो फिलहाल मैं इसे टेक्स्ट मी द वेरीफिकेशन कोड पर ओके रहने देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। और यदि आपकी यहाँ भी कंट्री सिलेक्ट नहीं, तो आपको यहाँ भी अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। मेरा ऑलरेडी कंट्री सिलेक्ट है इंडिया, और यहाँ पर मैं नंबर डाल लेता हूँ जल्दी से। और नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर गेट कोड पर ओके कर देना है। और गेट कोड पर ओके करने के बाद यहाँ पर आपको जिस नंबर जो नंबर आपने डाला है उस नंबर पर आपको एक तो जो नंबर अभी अभी आपने डाला है उस नंबर पर आपको एक ओटीपी आएगा, तो उस ओटीपी को यहाँ पर आपको पेस्ट करना है, ठीक है ना। तो इस पेज को आपको डायरेक्ट काट देना है, बैक नहीं करना है, और आना है अपने मैसेज वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोड आया हुआ है, तो 75 26 74। अब दोस्तों आपको फिर से वहीं पर जाना है ऐसे करके, तो 75 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओटीपी 75 26 74। और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद कांग्रेचुलेशन योर फ़ोन नंबर हैज़ नाउ बीन वेरीफाइड, ओके। और आपको करना क्या है, अब इस पेज को काट देना है। अब दोस्तों इस पेज को काट करने के बाद डायरेक्टली अब आपका चैनल बन चुका है, ठीक है ना। अब आपको वीडियो कैसे अपलोड करना मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अपलोड करने के दो तरीके होते हैं बेसिकली, तो यह मैं यूट्यूब से बता देता हूँ कि यूट्यूब से वीडियो कैसे अपलोड करते हैं। और यदि आप लोग क्रोम ब्राउज़र से वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन पर मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, तो आप लोग सीख सकते हैं कि कैसे क्रोम ब्राउज़र से अपने वीडियो को डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो फ्रेंड्स आपको नीचे की तरफ ये प्लस का ऑप्शन दिखता है, तो इस प्लस के ऑप्शन पर ओके करना है। और यहाँ पर अपलोड वीडियो का ऑप्शन है, तो इस पर ओके करना है। और यहाँ पर आपके सही वीडियो आ जाते हैं, वीडियो है ये। तो हेलो फ्रेंड्स, आज किसी नए वीडियो में एक बार फिर, और यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। और यहाँ पर आपको टाइटल लिखना है कि आपका वीडियो के बारे में, मतलब कि वीडियो के अंदर आपके क्या है। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, कैसे बनाए, ठीक है ना। और फिर दोस्तों यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है, तो यहाँ पर ओके करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपने वीडियो के बारे में सब कुछ भर देना है, और जो कि आपने वीडियो के अंदर बताया हुआ है वो सब कुछ। और यहाँ पर यदि आप किसी नेक्स्ट वीडियो की अपनी लिंक विंक डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन पर लिंक कैसे डालते हैं, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दी है, ठीक है ना। तो यहाँ से फिलहाल मैं बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद ये ऑप्शन है अनलिस्टेड का, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन को आपको पब्लिक कर देना है, और पब्लिक करने के बाद बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। और नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से पेज देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर कहना है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, यदि आपका कंटेंट बच्चों के लिए है तो आपको ये ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये वाला। और यदि आप बच्चों के लिए कोई कार्टून वगैरह कॉमेडी वगैरह नहीं बनाते हैं, स्टोरी वगैरह, तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके रखना है, जैसे कि अभी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है ना। और यहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शन का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर यदि आपका कंटेंट 18 साल से नीचे वाले बच्चों के लिए है तो आपको ये वाला ऑप्शन करना है। और यदि आपका वीडियो 18 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो नो डोंट रिस्ट्रिक्ट माई वीडियो टू व्यूवर्स, ठीक है ना। और यहाँ पर सिंपली आपको अपलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर अपलोड कर देना है। और अब आपको कैसे दिखेगा कि आपका वीडियो अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये ऑप्शन है नीचे की तरफ कोने में, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ योर वीडियोज पर आना है। और योर वीडियोज पर आने के बाद आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपका जो वीडियो है वो अपलोड हो रहा है, ठीक है ना। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को मुझे नहीं देखना है, अपलोड नहीं करना है, तो मैं इसे डिलीट कर दूंगा। तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ इसको, तो मैंने डिलीट कर दिया है। और इस तरह से दोस्तों आप लोग वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और तो फ्रेंड्स वीडियो के एंड में आपको वो तीन चार एप्लीकेशन बता देता हूं जो कि बहुत ज़रूरी हैं हर यूट्यूबर के लिए। मैं भी यूज करता हूं और जो भी यूट्यूब पर काम करता है वो हर बंदा इन तीन चार एप्लीकेशन को यूज़ करता है, ठीक ना। तो फ्रेंड्स पहला एप्लीकेशन होता है पिक्सल लैब। और दोस्तों इसका काम क्या होता है, देखिए जब आप यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे तो यूट्यूब वीडियो के ऊपर एक अलग से फोटो लगी रहती है, उसे बोलते हैं थंबनेल, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये थंबनेल बनाने के लिए यूज में आता है, ठीक। और जो दूसरा एप्लीकेशन होता है वीडियो एडिटिंग ऐप, तो फ्रेंड्स ये वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का ये काम होता है कि जब आप लोग वीडियो शूट करते हैं कैमरे के सामने, शुरू से लेकर एंड तक सही सही नहीं बोलते हैं, कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जो गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं, तो उन मिस्टेक्स को ये एप्लीकेशन कट करके बाहर निकाल देता है। तो फ्रेंड्स जो वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन होते हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं हर यूट्यूबर के लिए। और जो तीसरा एप्लीकेशन होता है ये होता है जो कि बहुत ही खास होता है, ठीक है ना। इसका यूज़ क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वीडियो आप यूट्यूब पर डालेंगे, ठीक है ना, तो फ्रेंड्स उन वीडियोस पर कितने व्यूज आए, कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, सब कुछ आप देखना चाहेंगे, ठीक है। अपने वीडियोस का पूरा एनालिटिक्स देखने के लिए कि कैसे रैंक करता है, कैसे चलता है, कितना व्यूज आता है, और आज कितना व्यूज आएगा, कल कितना व्यूज आया, ठीक है ना। और अपने चैनल का पूरा एनालिटिक्स देखने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है, और उस एप्लीकेशन का नाम है YT स्टूडियो, और ये एप्लीकेशन भी यूट्यूब का ही एप्लीकेशन है, ठीक है ना। फ्रेंड्स ये तीनों एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगे।